केमिकल और फर्टिलाइजर फैक्ट्री है। ये सभी बोट्स मछली पालन के लिए है और बड़े बड़े बोट्स है जो अरब सागर में जाकर बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ कर लाते हैं। इस पर भारत के तिरंगा को देख सकते हैं क्योंकि 12 किलोमीटर बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा खत्म हो जाती है। इसके बाद फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने पर हो सकता है कि आपके बोट को जब्त कर लिया जाए। ये यहाँ के जो मुख्य देवी हैं उनका फोटो है। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। आप मैंगलोर स्टेशन अगर उतर के वहाँ से आप किसी भी होटल में आकर आप इस स्थान पर आ सकते हैं। ये पार्क है और ये देखिए यहाँ बोटिंग किया जा रहा है। यहाँ से हम लोग बोटिंग प्लेस जा रहे हैं। वो स्थान है जहाँ से अंडरपास बनाया गया था डायरेक्ट समुद्र के रास्ते में जाने के लिए, लेकिन ये स्थान अभी बंद कर दिया गया है। ये अभी हालांकि बंद है। ये अंडरग्राउंड रास्ता जो कि समुद्र की ओर डायरेक्ट निकलेगा। यह कर्नाटक की सभ्यता को प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार यहाँ मछली पालन किया जाता है या मछली पकड़ा जाता है, और पुरुष और महिलाएं साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पितृसत्ता है, यहाँ मातृ और पितृसत्ता दोनों हैं। और ये यहाँ की संस्कृति को दर्शाया जा रहा है कि किस प्रकार पुरुष और महिला दोनों मिलकर मछली पकड़ते हैं। तो समुद्र के अंदर जाने के लिए ये शॉर्टकट रास्ता टीपू सुल्तान ने अपने समय में बनाया था। अरब सागर काफ़ी गहरा बीच है, इसीलिए देखिए यह डेंजर जोन लगा हुआ है। इसे डेंजर जोन को मैं पार नहीं कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी छिछला समुद्र है, काफ़ी छिछला है, गहरा है। अरब सागर मैंगलोर दिखाऊंगा। मैंने सब्सक्राइब किया। हाँ जी, ये मैंगलोर का वह स्थान है जहाँ टीपू सुल्तान ने समुद्र की ओर निकलने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता तैयार किया था। और ये देखिए मैं जिस किले पर चढ़ा हूँ, इस किला के निचले हिस्सा में वह शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से आप डायरेक्ट समुद्र में जा सकते हैं। और मैं अभी झील के किनारे स्थित हूँ और देखिए काफ़ी सारा बोट लगा हुआ है जो बोटिंग करने के लिए है। यहाँ से अरब सागर की ओर ले जाकर आपको एक बार बोटिंग करके ले जाएगा। अरब
मैंने अपने 21 वर्ष के उम्र में इतना सुंदर मंदिर कभी नहीं देखा। काफ़ी सुंदर मंदिर है। देखिए, मैं अंदर गया था, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो यहाँ मैं देखा कि सभी देवी देवताएं, हिंदू धर्म में जितने देवी देवता है, सभी देवी देवताओं का मूर्ति अंदर स्थापित किया गया है। और आपको जान का आश्चर्य होगा कि सभी जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां अंदर स्थापित हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। देखिए, इसकी उद्घाटन भी उस समय के तत्कालीन राजीव गांधी जी ने किया था। ये तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर है। देखिए, राजीव गांधी जी इनका उद्घाटन किए थे 1991 8 फरवरी। हम लोग मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश कर चुके हैं और ये मंदिर का गर्भगृह है। बहुत ही गहन रूप से कार्य किया गया है मूर्तियों का स्थापना। काफी सुंदर ढंग से इसे पिरोया गया है। बहुत ही आकर्षक दृश्य है। और इसका उद्घाटन के लिए राजीव गांधी 1991 में आ चुके हैं 8 फरवरी को, और श्रीमती सोनिया गांधी अक्टूबर 2012 में आई हुई थी। देखिए, शिरडी के साई बाबा और बजरंगबली दोनों आसपास स्थापित हैं। फ्रेंड्स, मेरे पीछे आप हनुमान जी का मंदिर देख सकते हैं। ये देखिए, हनुमान जी का मंदिर है मेरे पीछे। बहुत ही विशाल मंदिर, काफ़ी सुंदर मंदिर है। बजरंगबली स्थापित है यहाँ पर। नीचे संगमरमर का पत्थर है, काफ़ी गर्म है। और ये शिरडी के साई बाबा का मंदिर है। लगभग सभी देवी देवताओं का मंदिर है, शिरडी के साई बाबा यहाँ स्थापित है। Thank you.
शानदार मंदिर। मंदिर को उद्घाटन करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी आई थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी कर्नाटक के मैंगलोर में हूँ और ये टेंपल घूमने के लिए आया हूँ। देखिए काफ़ी शानदार टेंपल है और चलिए मैं आपको टेंपल के अंदर लेके जाता हूँ। चूँकि काफ़ी गर्मी है, संगमरमर का पत्थर है, इसलिए हम लोग कारपेट पर चल रहे हैं। बहुत ही अद्भुत फूल, ऐसा आकर्षक फूल मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। काफ़ी आकर्षक फूल है। यहाँ से ऊपर श्री गोरखनाथ, योगेश्वर मठ, काशी काल भैरव, परशुराम धुनी, सीता कुआं और पांडव गुफा है। मेरे पीछे जो 7 तालाब हैं, इन 7 तालाब के पानियों का स्पर्श करने से वही पवित्र मिलता है जो काशी जाने का पवित्र आशीर्वाद मिलता है। इन 7 तालाबों का पानी छिड़कने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मंदिर में जाने से पहले यहाँ के तालाब के पानी को पैर पर छिड़का जाता है और इस पानी को सर से लगाकर फिर हमें देवी का दर्शन करना चाहिए। काफी भागीरथ तीर्थ। श्री दुर्गा परमेश्वरी अम्मा नवरू टेम्पल मंगलुरु।
जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैंगलोर के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हंडी फोर प्रतियोगिता के लिए अलग अलग समुदाय द्वारा अलग अलग हंडियों का इंतजाम किया गया है। कितना सारा हंडी आप देख सकते हैं, काफ़ी हंडी है। जहाँ तक नज़र जा रहा है वहाँ तक हंडी ही हंडी दिख रहा है। कितना हंडी, सिर्फ हंडी है। तो आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हंडी फोर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यहाँ के युवा वृंद हंडी को फोड़ेंगे। और मंगलुरु के एक और बीच पे आ चुके हैं और काफ़ी शानदार बीच है। मेरे पीछे काफ़ी सारा बड़े बड़े ब्रिज आपको दिख रहे होंगे और इस ब्रिज के सामने ये समुद्र है। देखिए मेरे पीछे समुद्र और मेरे सामने में ये बड़े बड़े नमकीन पानी में उगने वाले ब्रिज है। ये मंगलुरु का सर्फ क्लब है। देखिए इसमें समुद्र के ऊपर आप सर्फिंग कर सकते हैं इस प्रकार, और हम लोग चल रहे हैं सर्फिंग की ओर। ये ऑयल फिलिंग शेड है, यहाँ पे ऑयल फिल किया जाता है, पेट्रोलियम फिल किया जाता है। इसके लिए लंबी लाइन लगी है ट्रकों की, और ये देखिए कितनी लंबी ट्रकों की लाइन है। लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लगभग 4 किलोमीटर तक इस प्रकार ट्रकों का लाइन है, और इससे समझ सकते हैं कि कितने सारे ट्रक जो सदर्न इंडिया में ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं, दक्षिण भारत में तेल वितरण के लिए ट्रकों की लंबी लाइन। ये MRPL का ट्रक गिनते रहिए, ट्रक खत्म नहीं होगा। ये सभी ऑयल टैंकर्स है और इसकी संख्या इतनी अधिक है कि इसे काउंट करते करते सुबह से रात हो जाएगा, लेकिन काउंटिंग खत्म नहीं होगा। इतना लंबा लाइन लगा हुआ है ऑयल टैंकर्स का ऑयल भरने के लिए। मैंगलोर में MRPL में ऑयल टैंकर्स में ऑयल डाले जाते हैं।